हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे कि आपने तत्काल टिकट निकलवाया, फिर नॉर्मल टिकट निकलवाया है रेलवे काउंटर से, तो आपका ये टिकट मतलब कि अगर ये दोनों टिकट या तत्काल हुआ या फिर काउंटर टिकट, तत्काल टिकट हुआ या फिर नॉर्मल टिकट हुआ, अगर ये कहीं खो जाते हैं तो आप क्या करोगे? फिर आप यात्रा कैसे कर पाओगे? आपको ये सोचते हैं कि बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो आज इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पूरा समझाने वाले हैं कि टिकट आपका गुम हो जाता है रेलवे काउंटर का तो आप ये टिकट वापस कैसे ले सकते हो। बहुत आसानी से मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा इस वीडियो में। अगर भाई आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा उसे प्रेस कर ले देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल टिकट जो होता है उसमें 6 पैसेंजर होते हैं, ठीक, और जो तत्काल टिकट होता है उसमें 4 पैसेंजर। 6 नॉर्मल टिकट में ज़्यादा से ज़्यादा 6 पैसेंजर आते हैं और तत्काल टिकट अगर लेने जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 पैसेंजर टिकट मतलब मिलती है तत्काल में। अब बात करते हैं इन दोनों टिकटों में से, तो मतलब कि जो नॉर्मल टिकट है इनकी, ये टिकट गिर जाता है या फिर फट जाता है या कहीं पर गिर जाता है, इसमें मतलब गुम हो जाता है। तो अगर आपको ये टिकट नॉर्मल लेना है तो आपके पास जैसे 6 पैसेंजर हैं तो 6 पैसेंजर का मतलब रेलवे काउंटर पर आपको जाना है, किसी भी रेलवे काउंटर पर आपको चले जाना है। वहां आपको बता देना है अपना पीएनआर नंबर, सब कुछ बता देना, पीएनआर मोबाइल नंबर, वो मतलब एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपको भरना होगा। फिर आपका क्या करेंगे, अगर आपका 6 टिकट है नॉर्मल तो 6 टिकट का यानी 50-50 रुपये पर पैसेंजर चार्ज लेंगे। पर पैसेंजर चार्ज लेने के बाद जैसे कि आपके 6 टिकट हैं तो 300 चार्ज लेके आपको डुप्लीकेट जो होती है टिकट वो आपको निकाल के दे देंगे। ये हो गया नॉर्मल का प्रोसेस। अब बात करते हैं भाई, चलो तत्काल टिकट हमारा खो गया, नहीं मतलब कि नहीं खोया, हम दूसरी जगह बुकिंग करवाए हैं वहाँ पर निकलवा लेंगे। तो इसमें तत्काल टिकट में क्या होगा तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, तो उसके बाद बताऊँगा तत्काल रेलवे के काउंटर से। तो आपका रेलवे का काउंटर हार्ड कॉपी होना चाहिए आपके पास। अगर हार्ड कॉपी नहीं रहेगा तो रेलवे मान्य नहीं करेगी, ना फिर आपके मोबाइल में फ़ोटो हुआ तो भी नहीं चलेगा। अगर आपका मोबाइल में फ़ोटो हुआ तो नहीं चलेगा, अगर आपके पास उसकी जेरोक्स हो तो भी नहीं चलेगी। ऑनलाइन टिकट खाली चलती है, बाकी अगर ऑफलाइन पीआरएस काउंटर से आपने टिकट बुक करवाया तो आपको हार्ड कॉपी रखना जरूरी है, वरना टिकट आपकी वैध नहीं मानी जाएगी। अब बात कर लेते हैं तत्काल टिकट के बारे में। तो तत्काल टिकट में ये प्रोसेस होता है, जैसे कि मान लीजिए तत्काल टिकट करवाया है आपने और तत्काल टिकट 4 करवाया है या फिर एक ही करवाया है, तो तत्काल टिकट मान लीजिए कि 800 में एक करवाया है आपने। अब बात करते हैं कि आपका टिकट कहीं गुम हो जाता है या फिर खो जाता है, तो इसमें ये आपको जाना होगा पीआरएस काउंटर पे, मगर पीआरएस काउंटर वाला 50 रुपये मतलब कि चार्ज नहीं लेगा तत्काल का। जितना तत्काल में आपने पैसा दिया है पूरा का पूरा वो लेगा आपसे, यानी 1000 रुपये दिया है 5000 रुपये देंगे, दिया है आपने तो 5000, अगर आपने दिया है तो 5000 फिर से देना होगा, तो आपको ये टिकट आपकी मतलब निकाल के देगा फिर से। नहीं तो भैया आप अपने सीट भूल जाओ, कुछ भी भूलो, मतलब कि नॉर्मल का 50 रुपया फेयर लगता है पर पैसेंजर का। अगर तत्काल में आपने टिकट करवाया है तो तत्काल में जितना पैसा आपने दिया उतना पूरा देना पड़ेगा, तब आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको मतलब अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते।